Good afternoon, students. Because of this network connectivity, we were unable to continue our lectures today's Hindi. So better now we will just start. I'll share the screen. So till here we completed. Now I'll move to our next page. As I inform you, that I'll send you the video recording of this lesson. So let's start. I request you to open page number 39. Okay, lesson main bani हनुमान. तो यहाँ पे जैसा हमने ये लेसन छोड़ दिया था, एंड किया था, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसकी इच्छा थी लड़की की कि वो उसको चांस मिलना चाहिए कि कम से कम अगर वो लक्ष्मण नहीं बन सकती तो उसे हनुमान बनाया जाए. लेकिन ऐसा नहीं होता है और टीचर ने उसे एक वानर सेना का रोल दे दिया था. ठीक है, फिर भी उसने वो एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन वो संतुष्ट होकर नहीं कर रही थी. उसके बाद में जैसे वार्षिक उत्सव का दिन आ गया, उनमें बहुत सारी उनमें अपने आप में एक उमंग, एक उल्लास भरा जोश आया था कि यस, अभी हमारा आज ये जो दिन है और हमें ये स्टेज परफॉर्मेंस देनी है. लेकिन जब तैयारियां सारी हो चुकी थी और दूसरे ही दिन वार्षिक उत्सव आने ही वाला था, तो जैसे ही नया दिन शुरू हुआ तो इतने में टीचर को एक पेरेंट का एक लेटर आ गया, एक खत आया और उसमें ये लिखा हुआ था कि अलका जो है, जो आप इस प्रोग्राम में, इस नाटक में हनुमान बनी थी, उसको खसरा हो गया है. इस खसरे के कारण उसे काफी तेज बुखार भी है लेकिन अभी वो स्कूल नहीं आ सकती. तो इसमें टीचर यही बता रही थी कि अब क्या करा जाए, क्यों, क्योंकि वार्षिक उत्सव का दिन आ गया है और बस थोड़े ही समय पे ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है. अब वो क्या करें? तो इतने में उन्हें जो वानर सेना का रोल मिला था इस लड़की को, वो उसकी तरफ टीचर की नजर जाती है. तो टीचर उसे बुलाती है और पूछती है कि क्या मैं तुम्हें हनुमान का रोल दूं तो तुम करोगी क्या? तो इससे तो पहले से ही था कि मैं ये रोल करूं. तो उसके बाद में ये बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल करूंगी और मैं अच्छे से डायलॉग्स भी बोलूंगी. अगर मैं कहीं पे भी डायलॉग्स भूल गई तो मैं अपने मन से भी बना के बोलूंगी. लेकिन टीचर ने उसे कहा कि नहीं, आप अपने मन से कुछ भी डायलॉग्स नहीं बोलना, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे खड़ी हूँ, आपको मैं जरूर मदद करूंगी और कोई भी अपनी मर्जी से डायलॉग ना तो जोड़ना ना तो निकालना. तो ये यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका था. तो ये हमारा ये लेसन, अभी मैं आगे से कंटिन्यू करती हूँ. अच्छा कहकर उसने भी अपना सर हिला दिया. तीसरे दृश्य के बीच पर्दा उठा. ढोल पीटने को आवाज के बीच मुझे मंच पर धकेल दिया गया. मैं मुंह के बल गिरते गिरते बची. ठीक है, अब क्या हो गया ना, वार्षिक उत्सव का दिन था और पर्दे पर तीसरा जो कर्टेन था वो भी पूरा खुल गया और उसको सामने जाना है. ढोल वोल सब, ड्रम्स वगैरह सब बजने लगे, जोर जोर से आवाजें आने लगी और इसको स्टेज पर जाना है. लेकिन सबने क्या किया, उसको स्टेज पे ऐसा ढकेल दिया गया. तो जैसे ही ये, मतलब इसका बैलेंस आउट होने ही वाला था और ये गिरते गिरते बच गई, अपने आप को इसने बचा लिया. कुछ देर तक तो मुझे कुछ
समझा ही नहीं, लगा जैसे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। फिर मैंने अपना मुखौटा ठीक किया, एक गरजती आवाज कानों से टकराई, घबराहट में होश हवास खो बैठी। बोलने के लिए मुंह खोला तो गले से आवाज भी नहीं निकली, क्या बोलना था यह भी याद नहीं रहा। तभी टीचर को आवाज कानों में पड़ी, मैं भी बिना सोचे समझे वही दोहराने लगी जो वह बोल रही थी। इतने में क्या हो गया, जैसे ही उसे स्टेज पर ढकेल दिया गया, स्टेज पर जैसे भी ढकेल दिया गया तो वो गिरते गिरते बच गई। और उसने क्या किया, अपना मुखौटा जो उसने मास्क पहन रखा था हनुमान जी का, आप ये फोटो में भी देख सकते हैं जो इसने मास्क पहना था ना, यस देखो, तो उसने उसको सारा ठीक किया। और फिर उसके बाद में वो थोड़ी सी ना डर गई, क्योंकि उसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए। किसी किसी को क्या रहता है ना, स्टेज फेयरेंस ज्यादा रहता है, यानी स्टेज पे जाते जाते क्योंकि बहुत सारी पब्लिक रहती है हमारा जो शो देखने के लिए, तो उसमें ऐसा हो गया कि कुछ बच्चे जो है ना इतनी सारी भीड़ को देखकर नर्वस हो जाते हैं और जो उनके डायलॉग्स रहते हैं ना वो भूल जाते हैं। तो इसका भी वैसे ही हुआ, इसने अपना मुखौटा यानी अपना मास्क पूरा ठीक किया और उसके बाद में इसके हाथ पैर भी ठंडे हो रहे थे। ठीक है, एक उसके जोर से एक कानों में ना आवाज टकराई, घबराहट में होश आवाज खो बैठी, क्योंकि जोर जोर से पेरेंट्स आवाज करते कि चलो स्टार्ट करो, शुरू हो जाओ, ऐसे ही कुछ उसे भी जोर से एक गरजती हुई, ऐसा गरजती है ना, यानी कौन गरजता है, जैसे शेर गरजता है, तो उसकी आवाज जो उसके कानों में टकराई, तो वो घबराहट से ना उसका जो कुछ भी था, मतलब जो उसको सोच समझ थी, वो सारी उसने खो दिया। बोलने के लिए जैसी वो मुंह खोल रही थी तो गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, मतलब वो एकदम से डर गई, क्या बोलना था ये भी उसको याद नहीं रहा। तब भी फिर उसकी टीचर की आवाज कानों में पड़ गई, फिर उसने धीरे धीरे काम डाउन हुई तो उसको उसकी टीचर की आवाज कानों में पड़ी, मैं भी फिर बिना सोचे समझे वह दोहराने लगी जब वो बोल रही थी। ठीक है, मैं राम के चरणों में हाथ जोड़े बैठी बोलती जा रही थी, हे स्वामी मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अब तो क्या हो गया, जैसे ही ये स्टेज पे आई, पहले तो उसे स्टेज पर ऐसा पुश कर दिया गया, धक्का दे दिया गया, तो ये तो गिरते गिरते भी बच गई, फिर बाद में इसके स्टेज में पब्लिक को देखते ही इसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, फिर पब्लिक से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी, तो ये एकदम से घबरा गई, डर गई, ये इसको जो कुछ भी डायलॉग्स थे सब भूल गई, जैसी मुंह खोलती तो इसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, तो इतने में ये बहुत सारा मतलब नर्वस हो गई, लेकिन धीरे से उसको उसके टीचर की आवाज सामने आने लगी कानों के, तो इसने भी बोलना शुरू किया। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो कैसे बैठी है। ठीक है, तो इसने क्या किया, राम भगवान के जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इन्होंने रोल किया है राम भगवान का, और ये है लक्ष्मण जी, और ये है टीचर जो अपने साथ में नोट्स लेके खड़ी है, नोट्स मीन्स जो डायलॉग के नोट्स लेके खड़ी है। लेकिन इस लड़की ने भी क्या किया, स्टार्ट कर दिया, राम जी के चरणों में हाथ जोड़कर बैठी और बोलते ही जा रही थी, क्या बोल रही थी, स्वामी मैं आपकी आज्ञाकारी सेवक हूँ। ऐसा आप लोगों को पता है कि कैसे मतलब हनुमान भक्त अपने आप को सेवक मान के चलते हैं राम जी के, तो इसने भी यही बोलना शुरू किया कि हे स्वामी मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आज्ञाकारी नहीं, आपका नहीं, आपका बोलेगी, आपकी नहीं, और मैं आप
का आज्ञाकारी सेवक हूँ, क्योंकि मेल रोल है, आपके लिए जान की बाजी लगा दूंगा, कि मैं अपने जान की भी बाजी लगा दूंगा, ऐसा ऐसा इस लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। हे भगवान, तुमने अपनी पूछ तो लाई नहीं। अध्यापिका ने कहा, मैंने भी वह ज्यों का त्यों दोहरा दिया। राम ने धीरे से कहा, बेवकूफी मत करो, पूछ तुम्हें लगानी थी, मुझे नहीं, तुम उसे लगाओ, लगाना भूल गई हो। अभी क्या हो गया ना, जैसे ही ये यहाँ पे बैठ गई और अपने डायलॉग्स शुरू कर दी। जस्ट वन सेकेंड। हाँ, तो इसमें सभी जन बीच बीच में ऐसे जो जहां रॉन्ग होता है तो किसी को ऐसे याद रहता है कि वो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं बीच बीच में, तो इसमें इसको भी यहाँ से यही सुनाई दे रहा था कि आपने ना जो आपको पूंछ लगानी चाहिए वो आपने लगाया नहीं है। अब सबको पता है कि हनुमान जी को ना ये रहता है, पूछ लगानी पड़ती है। तो अध्यापिका ने कहा, मतलब उसकी टीचर ने कहा, मैंने भी वाक्य ज्यो का त्यों दोहरा दिया। मतलब टीचर भी जैसा उसको बोल रही थी तो ये भी उसको सेम रिपीट कर रही थी। फिर राम ने धीरे से उसको कहा, बेवकूफी मत करो, क्यों, क्योंकि आपका आपकी पूछ लगाना जरूरी है, तुम मुझे नहीं, तुम्हें लगाना जरूरी है। मैंने पीछे हाथ लगाकर देखा। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक हाथ ऐसा है और एक हाथ पीछे ऐसा रखा गया है, ये देखो। तो यहाँ पे ये लड़की मतलब हाथ लगा रही है पीछे की, उसने जो पूंछ लगाना भूल गई है। अपनी भूल सुधारने के लिए बोली, मेरा मतलब अपनी पूंछ से ही था। मेरा मतलब, यानी लड़की बोल रही है कि मेरा मतलब अपनी पूंछ से ही था। अध्यापक पीछे से कह रही थी, कूदो कूदो, मतलब जोर जोर से कूदो, जंप करो पीछे से। मैंने फिर बिना समझे वही दोहरा दिया, कूदो कूदो। क्या होता है ना, अगर हमें कोई चीज डायलॉग्स ऐसे बताता है तो अपने को उस समय पे पूरा ब्रेन लगा के रखना पड़ता है कि जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं वो हमें करना है। लेकिन इसको ऐसा लगा कि टीचर मुझे कह रही है कूदो कूदो, तो मतलब मुझे वो डायलॉग्स बोलने हैं, कूदो कूदो। राम ने डांट कर कहा, तुम कूदो, यानी यहाँ पे बीच में राम भगवान उसको धीरे से बोल रहे हैं कि उठो और तुम कूदो। आया समझ में? यस। मैंने फिर बिना समझे, हाँ, दोबारा अपनी गलती सुधारने के लिए मैंने पागलों की तरह कूदना शुरू कर दिया। तभी जोरदार हंसी के बीच पर्दा गिरा दिया गया। टीचर चुप थी, उनका मुंह लाल था, उन्होंने मेरा पार्ट काट पीट कर छोटा कर दिया। अब मुझे सिर्फ आखिरी दृश्य में ही मंच पर आना था। अगर ये जो नाटक चालू है, अगर ये बराबर से ना होगा तो सही बात है, कोई भी ऐसा ही करेगा कि उसको थोड़े से डायलॉग्स कट कर दिए जाते हैं। तो कैसे हो गया ना, इतने में सेकेंड टाइम इसका ये गलती हो गया। तो इसने क्या किया, जोर जोर से कूदना शुरू कर दिया। तभी पेरेंट्स या जो पब्लिक बैठी हुई थी उन्होंने देखा और पर्दा नीचे से गिरा दिया, और सारी पब्लिक जो थी वो जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन टीचर एकदम चुप थी, क्यों, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ गया कि जैसे ये नाटक होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। उसने फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे डायलॉग्स वगैरह काट पीट कर और उसको एट लास्ट में, लास्ट का जब रहता है पार्ट, उसमें फिर उसको स्टेज पे आने तक का उतना ही सीन टीचर ने रखा, बाकी सब
काट दिया गया और उसके उसके डायलॉग्स को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। मेरी मेरी घबराहट भी कम हो चुकी थी। पर्दा उठा, मैंने अपने वाक्य ठीक से बोले। अशोक वाटिका में सीता के सामने पहुंचकर राम की अंगूठी दिखाई, कहा, माता, राम को तुम्हारी बहुत चिंता है। अब क्या हो गया, उसको जो सीन्स थे वो सारे काट दिए गए। अब ये लास्ट के सीन में उसको रखा गया, तो वहां का सीन आ गया। तब तक ये लड़की भी नॉर्मल हो गई, इसका भी जो डर घबराना था वो भी काफी ठीक हो गया। जैसे ही पर्दा उठा और इसने भी अपने डायलॉग्स बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही अशोक वाटिका का सीन आया तो उसमें इसने सामने पहुंचकर राम भगवान की, जो राम भगवान ने उनको अंगूठी दिया था, जो सीता माता को दिखाना था कि ये जो हनुमान जी हैं आपको ये बताने के लिए आए हैं कि हमें आपकी चिंता है और आप कहाँ हैं इसके बारे में, और ये हनुमान जी जो हैं ये सही व्यक्ति है, कोई अननोन पर्सन नहीं है। ऐसा कर उन्होंने ना, राम भगवान ने हनुमान जी को अपनी निशानी अंगूठी दी थी। तो इसने भी क्या किया, वो अंगूठी दिखाया और ये बोला कि माता, राम भगवान जो है ना आपकी बहुत चिंता करते हैं। सीता ने भी राम की प्रशंसा की और उदास स्वर में कहा, मैं अब और वियोग नहीं सह सकती। इतने में सीता माता ने भी ये डायलॉग कहा कि वियोग में मतलब आपके बिना मैं और आपके बिना नहीं रह सकती। ओके, क्यों? क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं, बहुत बहुत दिन हो गए हैं और मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मतलब आपसे दूर होकर मुझे बहुत दिन हो गए हैं और मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे आपके पास आना है। ऐसा सीता माता ने भी अपना डायलॉग रिपीट किया। मैं वापस से शेयर नेक्स्ट पेज शेयर स्क्रीन करती हूँ। सीता ने भी राम की प्रशंसा की और उदास स्वर में कहा, मैं अब और वियोग नहीं सह सकती। यह कहकर, वेट जस्ट अ सेकेंड, मैं एनलार्ज करती हूं उसको। हाँ, यह कहकर वह दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। कौन? सीता माता, मतलब उसने अपना डायलॉग बोलकर और दोनों अपने हाथों से अपने मुंह को उसने छुपा दिया और रोने लगी। क्यों? क्योंकि ये एक नाटक है, ठीक है। तभी मुझे लगा कि टीचर कुछ कह रही है, मैंने समझा कि मुझे ही सब बोलना है। सीता तो बस रोती ही जा रही है। मैंने जरा ठसके से कहा, मेरा रूप ही मेरा दुश्मन है, इसी के कारण वह दुष्ट रावण मुझे उठा लाया और अब मुझसे विवाह करना चाहता है। सीता चौंक पड़ी, क्या रे बुद्धू, ये तुम्हें थोड़े ही कहना था। मैंने उसकी सुनी अनसुनी की और अध्यापिका की बात जो की त्यों दोहरा दी। अब क्या हो गया कि जैसे ही सीता माता ने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर, और वो रोने का थोड़ी देर के लिए सीन था और वो सीन कर रही थी और रोने का एक्टिंग कर रही थी, तो उसने अपना मुंह छिपा लिया। इतने में इस लड़की को लगा कि अब ये इसका रोल खत्म हो गया, यानी सीता माता का रोल खत्म हो गया। अब जो टीचर डायलॉग्स बोलेगी वो मेरे डायलॉग्स हैं, तो इसने समझा कि अब ये सब चीजें मुझे बोलना है, सीता तो बस सिर्फ रोती ही रहेगी। तो जैसे ही डायलॉग्स सुना और इसने शुरू कर दिया,
इसने क्या बोला कि हाँ ये मेरा रूप ही मेरा दुश्मन है, यानी सीता माता बहुत ही सुंदर थी। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन में भी बताया कि सीता माता बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत कम थी जब उनकी राम भगवान के साथ में शादी हुई थी। तो ये सारा चीज जिस लड़की ने हनुमान का रोल किया है वो ही सीता के भी डायलॉग्स बोलना शुरू कर दिया, और सीता का ये डायलॉग है लेकिन बोल ये रही है, क्योंकि उससे लगा कि सीता माता को अब उसका रोल खत्म हो गया और वो सिर्फ बस रोने की ही एक्टिंग करेगी। तो इसने बोला मेरा चेहरा ही मेरा दुश्मन है, मतलब सीता माता खूबसूरत है तो वो ये कह रही है कि मेरा चेहरा यानी मैं खूबसूरत हूँ इसीलिए रावण जो है ना मुझे भगाकर लेकर आया है, तो ये मेरा जो चेहरा है मेरा जो रूप है वो ही मेरा दुश्मन है, इसी के कारण दुष्ट रावण मुझे यहाँ पर उठा के लेके आया है और अभी मेरे से वो शादी करना चाहता है। सीता चौंक गई कि अरे ये डायलॉग तो मेरा है लेकिन ये क्यों कह रही है, क्यों, क्योंकि ये तो सारा गलत हो गया। लेकिन उसे कहा कि तुम ये मेरे डायलॉग्स क्यों बोल रहे हो, सीता माता ने उसको कहा कि तुम ये मेरे डायलॉग्स क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये डायलॉग्स तो सारे मेरे हैं, ऐसा कहा सीता माता ने उसे। उसका यानी सुनना अनसुना कर दिया और टीचर की बातें ज्यों की त्यों ये रिपीट करने लग गई, सेम जैसा था वैसा रिपीट करने लग गई। तो अब आगे में हम लोग देखते हैं, आज का मैं ये यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है तो नेक्स्ट हम लोग टाइम पे वापस से इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।